तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और आपको बता दें नई शिक्षक भर्ती बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी अपडेट है और आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि संशोधित विज्ञप्ति जारी किया गया है और इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया है कि 17,000 रिक्त पदों पर की जाएगी नई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है कि 17,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ बड़े सवाल, क्या 2019 बैच के छात्रों को मौका मिलेगा? 2019 बैच की पूरी अपडेट को देखेंगे। प्रथम और तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा? फिलहाल दोस्तों आपको बता दें 2019 बैच दोस्तों जो बच्चे पास है उनके लिए अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं बची है। उसका रीजन आपको बता दें, क्योंकि हमारा सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, सेकंड के आधार पर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, इसके आधार पर हमारा तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा। तो कुल मिलाकर जो हमारे सेकंड सेमेस्टर में नंबर थे वही फर्स्ट में माने जाएंगे, जो फोर्थ में थे वही थर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो बच्चे पास हैं, अब वो बच्चे तो नई भर्ती के लिए एलिजिबल आसानी से हो जाएंगे, उनके लिए कोई समस्या नहीं आएगी। एक बात और आपको बता दें, यहाँ पर लेट लतीफी से शिक्षक भर्ती से बाहर होना तय है। किन छात्रों के लिए? फेल छात्रों के लिए, क्योंकि दोस्तों देखिए अभी तक बैक पेपर की डेट शीट जारी नहीं की गई है। आपको पता है लगभग 30,000 से ज्यादा छात्र अभी इस बार फेल हो गए हैं जब चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हुआ। 15,000 छात्र दोस्तों हमारे 2019 बैच से बच्चे फेल हुए हैं और 15,000 छात्र 2018 बैच के छात्र फेल हुए हैं, तो संख्या 30,000 की पार जा रही है। बाकी दोस्तों प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट देखिए, अगर अभी तक आपने अपना सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी डाउनलोड नहीं किया, फोर्थ का भी नहीं किया, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है, रिजल्ट जरूर से जरूर डाउनलोड करके रखे रहिए, पीडीएफ में बढ़िया सेव करके रखे रहिएगा, हो सकता है कि आज नहीं तो कल आपको जरूरत पड़ सकती है। देखिए दोस्तों, जो आज हमारा पहले विज्ञापन जारी किया गया था, देखिए पहले ये विज्ञापन जारी किया गया था, उसके बाद दोस्तों कुछ विज्ञापन में संशोधित कर दिया गया। ठीक है, तो 17,000 पदों पर वैकेंसी, तो आपको दोस्तों बता दें यहाँ पर छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई है। एक बात और आपको बता दें, देखिए बच्चे यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि 97,000 पदों पर वैकेंसी आनी चाहिए, लेकिन दोस्तों 97,000 नहीं तो 17,000 पर आ गई, तो भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ वैकेंसी से मतलब है, और आपको बता दें अगर आपको नौकरी मिलेगी ना तो सिर्फ आपको अपनी एक सीट पर ही नौकरी मिलती है, आपको 97,000 सीट भी नहीं चाहिए ना दोस्तों आपको 51,000 सीट चाहिए, आपको मतलब अपने सिर्फ एक सीट से होता है। अब वैकेंसी आ रही तो सिंपल सी बात है, अब आप मन लगाकर तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, लापरवाही मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि कम पदों पर वैकेंसी है। हम कह रहे दोस्तों 100 पदों पर भी वैकेंसी आती है, अगर आप तैयारी करेंगे तो आप अपनी एक सीट कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है, देखिए टेट आप सिर्फ क्वालिफाई करना है, आप देखिए जिन बच्चों का यूपी टेट या सी टेट का पेपर बचा है मन लगाकर दोस्तों पेपर दीजिएगा, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। देखिए पूरी अपडेट पहले आपके सामने रख दें, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी ने आज बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में यह जानकारी देते हुए बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करने हेतु आरक्षित वर्ग के प्रभावित लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ कर दी गई है। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि राज्य सूचना विज्ञान केंद्र को प्रोसेस फॉलो आज दिनांक 24/12/2021 को उपलब्ध करा दिया जाएगा। राज्य सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रोसेस फॉलो प्रक्रिया के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची दिनांक 28/12/2021 तक तैयार की जाएगी। राज्य सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्राप्त कराई गई चयन सूची का परीक्षण दिनांक 29/12/2021 तक किया जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर सारी डेट दी गई है कि कब से कब क्या क्या होगा, और आपको बता दें कि इन बच्चों को 6/1/2022 को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। तो दोस्तों एक बात यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए कि टोटल दोस्तों हमारे जो पद थे 1,37,000 पदों पर दो चरणों में 68,500 और 69,000 में की गई चयन प्रक्रिया के उपरांत रिक्त लगभग 17,000 पदों पर नई भर्ती के लिए किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों ये देखिए हमारी नई वैकेंसी के लिए भैया रास्ता क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है। तो कुल मिला के अब एक बहुत ही बड़ी वाली ये खुशखबरी है। ठीक है, तो जो बच्चे दोस्त इंतजार कर रहे थे नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब आएगा, तो दोस्त ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रख रहे हैं, 24 दिसंबर 2021 की दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। और आप इस वीडियो को 24 दिसंबर 2021 रात को देख रहे होंगे और कुछ अपडेट हम 25 दिसंबर की भी इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो गाइस आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा डीएलएड छात्रों के साथ, क्योंकि डीएलएड फेल छात्रों का भविष्य भी यहाँ पर दोस्तों इसी बात पर टिका रहेगा कि आपको प्रमोट किया जाएगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रमोट का मुद्दा गर्मा गर्मी में आ चुका है, क्योंकि अब नई वैकेंसी आ रही है। अब दोस्तों आर या पार है, सिंपल सी बात है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे प्रमोट को लेकर, तो याद रखिएगा आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।
ठीक है, आपको बता दें भले हम 97,000 पदों पर वैकेंसी की मांग कर रहे हो, लेकिन कम से कम अगर 17,000 पद भी आ गए तो 17,000 में दोस्तों एक सीट आप अपनी कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, तोड़ मतलब जितनी ज़्यादा मेहनत हो सके दोस्तों आपको इतनी मेहनत इस समय यहाँ करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी एक सीट यहाँ कन्फर्म कर लें, नहीं तो फिर वही है गाइस कि कितने साल बाद वैकेंसी आएगी फिर उसका कुछ अता पता नहीं होगा। जानते हैं, देखिए सरकार अच्छा खासा दिमाग लगा ले गई, क्योंकि दोस्तों जो इस समय हमारा धरना लगातार चल रहा था लखनऊ में, वो दोस्तों धरना था एक तो हमारा आरक्षण मुद्दे को लेकर, भले दोस्तों इन्होंने 6,000 सीट दी लेकिन आरक्षण की भी बात खत्म कर दी, उसके बाद नई वैकेंसी की डिमांड थी तो उन्होंने 17,000 पद दे दिए। तो फिलहाल दोस्तों 97,000 पदों की जो मांग है वो लगातार चलती रहेगी, ठीक है उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन 17,000 जो पदों पर वैकेंसी आई है उसके लिए आप मेहनत करिए, यह मत सोचिएगा कि वैकेंसी के पद कम है। अगर आप दोस्तों चाहेंगे तो 1500 वैकेंसी में भी अपनी एक सीट कन्फर्म कर सकते हैं। हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा कि 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती आई थी, जिसमें दोस्तों 1504 जो पद थे हमारे वो सहायक अध्यापक के थे, ठीक है 390 पद दोस्तों हमारे प्रधानाध्यापक के थे, उसको चलिए हटाते हैं। ठीक है तो कुल मिला के आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप चाहें तो 1504 पदों में से जब उसका रिजल्ट आया था तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कुछ बच्चों का रिजल्ट वायरल हो रहा था जिसमें 145 नंबर की बात आ रही थी। ठीक है, चाहे वो दोस्तों धांधली से हो, चाहे जैसे हो, चाहे एडिटिंग हो, चाहे जो भी हो, आपको दोस्तों ये बात अच्छे से आपने देखा होगा कुछ बच्चों के 129 नंबर। ठीक है तो कुल मिला के अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, देखिए होता क्या कुछ बच्चे भैया अपना जुगाड़ लगा लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। आपके पास दोस्तों दो विकल्प है, या तो आप जुगाड़ लगा सकते हैं या तो आप मेहनत कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, मेहनत वाला विकल्प सबसे अच्छा रहेगा, जो कि बिल्कुल फ्री में आप अपनी 100% अगर आप मेहनत करेंगे तो फ्री में दोस्तों आप अपनी एक सीट कन्फर्म कर सकते हैं। देखिए पेपर सभी बच्चों का 150 नंबर का आता है, जो बच्चे जुगाड़ लगाते हैं वो भी 130 नंबर ले आते हैं, अब जो बच्चे मेहनत करते हैं, अब देखिए मेहनत करने वाले बच्चों का नंबर हो सकता है कि 90 ही नंबर है, या हो सकता है कि 140 नंबर तक भी जा सकता है, लेकिन जुगाड़ लगाने वाले दोस्तों जो बच्चे होते हैं ना भैया, उनका तो सेटिंग लग गया, उनकी तो नौकरी कन्फर्म हो गई। ठीक है, आपको पता है उनके पास पैसा होता है, अगर आपके पास पैसा नहीं तब भी आप नौकरी ले जा सकते हैं। अब आप ये कहिए कि हम 90 नंबर लाएंगे, उसके बाद दोस्तों आप कहेंगे कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, तो गाइस आप मेहनत थोड़ी ज़्यादा करिए। ठीक है, एक किताब के सारे मत रहिए। सबसे बड़ी गलती पता है क्या छात्रों की होती है, आप लोग जाएंगे मार्केट से एक किताब खरीद लाएंगे नई शिक्षक भर्ती के नाम से, या जो भी वैकेंसी आती है उसी के नाम से आप एक बुक खरीद लेंगे, आप सोचेंगे उसी से सब कुछ आ जाएगा, ये गलती करना छोड़ दीजिए, अभी भी समय है, कम से कम नहीं तो 3 से लेकर 4 किताबों का सहारा लीजिए, तब जाकर दोस्तों पेपर में 120 प्लस नंबर का फंसेगा। आप किसी भी किताब से अगर मिला लेंगे तो भैया सारे क्वेश्चन वहाँ से नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि सुपर टेट में आप एक अच्छा खासा स्कोर करें तो आपको कम से कम 3-4 किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। तो आपके यहाँ जाइए मार्केट में, जो जेके अच्छी राइटर की किताबें सबको लीजिए। अब एक किताब से काम नहीं चलेगा दोस्तों, ये डीएलएड का पेपर नहीं रहेगा प्रथम सेमेस्टर द्वितीय तृतीय वाला। ठीक है कि यहाँ पर एक किताब गए आप लोग सीरीज खरीद लाएँ और रात भर पढ़ के सुबह निकाल लें, ऐसा दोस्तों अब नहीं होने वाला, वो समय जा चुका है। मेहनत करिए, बाकी जो भी अपडेट आएगी पीएनपी से वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। डीएलएड 2019-21 बैच के अपडेट आपके सामने रखेंगे, डेट सीट को लेकर जो भी अपडेट होगी। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।